सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील रावत और आज हम अपने बच्चों के साथ द्वारका में घूमने के लिए आ रखे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक बहुत विशाल सी मूर्ति का निर्माण हो रहा है। मैं आपको उसका थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ। अभी तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर लगेगा थोड़ा सा काम, टाइम लगेगा। और तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये ठीक दादा देव जी का जो मंदिर है उसके पीछे बन रखा है और काफ़ी बढ़िया बन रहा है। तो मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर मूर्ति बन रही है भोलेनाथ जी की। ये आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी की बहुत ही विशाल मूर्ति, जो कि ठीक दादा देव जी के मंदिर के बैक साइड में बन रही है। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे काम चल ही रहा है। तो आप देख रहे होंगे पूरे चारों तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस पर लगेगा थोड़ा सा और टाइम। तो अगर आप आते हैं कभी साइड तो भोलेनाथ जी के दर्शन जरूर कीजिए। हम पहुंच चुके हैं घर पे। वहाँ से हमने एक पंखा भी लिया था, बच्चों को लंच भी करवाया, घुमा लिया थोड़ा सा। पंखा लिया है वहाँ से हैवेल्स का, बच्चों ने खोल भी दिया इसे पूरा। ये आप देख सकते हैं पूरा बिखार दिया ये पुराना पंखा, इसकी हालत ये साफ कर करके ख़राब हो चुकी है। तो अब हम इसे चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने उसे पता करा था, तो ये जो वाइट वाइट सा हो गया, ये पहले तो लोहे की पंखुड़ियाँ होती है, जो पुराने टाइम के जो फैन थे उन पे लोहे की पंखुड़ियाँ हुआ करती थी। तो लोहे को अगर गीले से साफ करेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अभी एल्युमिनियम की पंखुड़ियाँ हैं, तो कह रहा था इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 2 साल की वारंटी दे रखी है। मैग्नेट भी नहीं चिपका रखा। तो देखते हैं इस पे, आप इसे ट्राई करते हैं लगाने का। पंखा फिट करते आज इसको, तो राजवीर हमारी हेल्प कर रहा है पंखा लगाने में। पहले हम इसको खोल देते हैं, बहुत टाइट हो रखा है ये तो। आज ये बढ़िया काम आ रहा है, प्लास पेचकस जो हमने लास्ट टाइम लिए थे वैसे, जहाँ जब जरूरत पड़ती है तो बहुत बढ़िया है। घर पे अपना काम कुछ थोड़ा बहुत अगर आप लोग करते हो तो रख लेना चाहिए। गर्मियाँ आ गई है, बस यही काम है, पंखा लगाना, कूलर साफ करना है ना। अभी तो फेंक देना, हम कूलर भी साफ करना, बस 2 कूलर है ऊपर नीचे कमरे में, तो उन दोनों को भी साफ करना है। उनके लिए घास लानी है और उनकी सफाई भी हो जाएगी बढ़िया से, है ना। दिल्ली में तो बहुत खतरनाक गर्मी पड़ती है, बल नानू की मम्मी को तो जल्दी लग जाती है गर्मी, तो उनके लिए तो पंखा कूलर बिल्कुल रेडी रखना पड़ेगा। नानू की मम्मी को तो जानते होंगे तुम, परसी जब हमने बताया था वो पिछले वीडियो, पिछले वाली वीडियो में देखा होगा आपने नानू की मम्मी को। पिछली वाली वीडियो भी देखते रहे हमारा, पीछे की जितनी वीडियो देखते रहना।
बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने वीडियो बनाई है बल। इसकी पंख उड़ जाए तो भाई क्या क्या सामान आया इसमें, वही तो निकालना है। पंखुड़ी पंखुड़ी दो। इस पे तो काम बहुत ज़्यादा है। तो हमारा पंखा फिट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग कितनी सफल हुई है। चल गया भाई पंखा तो, इसकी पंखी लग गई है। चल चुका है पंखा अच्छी तरह से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम नमस्कार।